तो हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया, अब जो नेक्स्ट है वो है ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स या स्पेशल इंडिकेटर्स। देखो इनको हम स्पेशल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने जो इंडिकेटर्स पढ़े थे वो कैसे इंडिकेट करते थे, वो कलर को चेंज कर देते थे, है ना, कि कोई एसिड में अलग कलर शो कर रहा है, बेस में अलग कलर शो कर रहा है। बट ये जो स्पेशल इंडिकेटर्स है ये कलर में चेंज नहीं होते हैं। इनकी क्या स्पेशलिटी है, इनकी स्पेशलिटी है स्मेल में चेंज क्रिएट करना। क्योंकि देखो हम किसी ये क्या करते हैं, देखो एसिड में इनकी स्मेल अलग हो सकती है, बेस में अलग होगी, तो हमें पता चल जाएगा कैसे। देखो समझते हैं ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं। These are special indicators. They don't change color. ये color change नहीं करते। They change smell of solution in different medium. अलग अलग medium में ये solution की smell को change कर देंगे। Acidic medium में अलग हो सकती है, basic medium में अलग हो जाएगी। Okay? So हम इसको क्या बोल सकते हैं? That their smell varies in different. अलग अलग solution में इनकी smell vary करती है, अलग अलग हो सकती है। तो मेन क्या होती है, हम मेनली तीन यूज करते हैं, ऑनियन एक्सट्रैक्ट, वेनिला एक्सट्रैक्ट और क्लोव एक्सट्रैक्ट। देखो ये क्या है, क्लोव ऑयल होता है ना, मींस ऑनियन, ऑनियन की हमें पता है प्याज पे ऑनियन की एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना, वेनिला की भी एक स्मेल होती है, क्लोव की भी एक स्मेल होती है। ये क्या करते हैं, ये एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में इनकी स्मेल में कोई चेंज नहीं होती। एसिडिक मीडियम में ये स्मेल में कोई चेंज क्रिएट नहीं करते हैं, बट बेसिक मीडियम में ये स्मेल चेंज कर देते हैं। जैसे ही मीडियम बेसिक हो जाएगा ये स्मेल चेंज हो जाएगी। अगर हम इन पर कोई बेस डालेंगे तो इनकी स्मेल चेंज हो जाएगी, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन में इनको डालेंगे तो उस सॉल्यूशन की जो स्मेल है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। ओके